और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा अच्छा टॉपिक है वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है मैं मैं थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा शुरू करूं क्लास हाँ सर सर, सर। अच्छा आजादी का संघर्ष बहुत लंबा था और उस स्वतंत्रता के मायने केवल पावर ऑफ ट्रांसफर नहीं था स्वतंत्रता का मतलब अंग्रेजों के हाथ से सत्ता या प्रशासन को सौंप देना नहीं था स्वतंत्रता का अर्थ तो बहुत व्यापक था उस स्वतंत्रता को पाने के लिए देश की महिलाओं देश के वंचित वर्ग से लेकर सर्वोच्च प्रशासनिक वर्ग और बड़े बड़े नेताओं ने अपनी खून पसीना और अपने प्राणों की आहुति दी थी तो वो इसलिए दी थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हम वो शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने देखी थी वो सत्ता आई और वो सरकार भी हमारी बनी और सत्ता और सरकार कैसे चलेगी इसके लिए एक संविधान बनाया गया और हमारे देश में जितनी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं उसी संविधान से गवर्न होती हैं अर्थात हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और संविधान की ही महत्ता है लेकिन जिस संविधान को सर्वोच्च कहा गया है उस संविधान के प्रारंभ में ही प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से प्रस्तावना का महत्व यह है कि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि आखिर भारत देश में शासन व्यवस्था होगी कैसे प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसी प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न देखा था तो वो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक ध्यान दीजिएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो जिस आर्टिकल 19 का आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रस्तावना में भी लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नीचे ये लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास ईस्वी को यह संविधान भारत के नागरिकों को ही समर्पित किया गया है तो जो संविधान हम भारत के लोगों से ही शुरू हुआ है वही संविधान हम भारत के लोगों को समर्पित करके ही प्रस्तावना समाप्त की गई है इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत में हम भारत के लोगों का आदर्श या स्थान कितना ऊंचा है अब प्रश्न यह है कि जिस देश की संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतंत्र लिखा हो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा हो उस देश में उन्नीस से लेकर 2005 तक 1923 के बने गोपनीयता कानून के अनुसार ही शासन संचालित किया जाता रहा गोपनीयता कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि हम अंग्रेज कैसी प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं अंग्रेज भारतीयों के पैसे का किस तरह बंदरबांट कर रहे हैं अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए क्या व्यू रचना रच रहे हैं हम ये जान ना पाए लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में भी यही किया जाए तब तो बड़ी शर्म की बात थी और फिर स्वतंत्रता के मायने क्या? लिखा है लोकतंत्र लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो तंत्र का मतलब है प्रशासन व्यवस्था लोक का अर्थ है जनता तो लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी प्रशासन व्यवस्था जो जनता के प्रति समर्पित हो पर प्रश्न यह है कि जिस प्रशासन व्यवस्था की जानकारी ही जनता को नहीं दी जाए जिस प्रशासन व्यवस्था ने गोपनीयता का आवरण ढककर जनता के हित के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी ही जनता को न दे वो प्रशासन व्यवस्था जनता के प्रति समर्पित कैसे हो सकती थी जो प्रशासन व्यवस्था है या जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की दो व्यवस्थाएं होती है एक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है अर्थात जनता ही प्रशासन का हिस्सा होती है लेकिन किसी भी बड़े राष्ट्र में यह हमेशा प्रशासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रखी जाती है और भारत में भी वही है संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिम। इस लोकतंत्र की विशेषता है कि इस लोकतंत्र में भिखारी से लेकर दो वक्त की आजीविका के लिए जो किसी तरह पैसा कमा पाता है वो व्यक्ति भी टैक्स देता है वो व्यक्ति भी साबुन यदि खरीदता है दो रुपए का बिस्किट खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है लेकिन दुर्भाग्य कि उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार 2005 में मिला कि उसके उस खून पसीने की कमाई के पैसे का कहां उपयोग हो रहा है यह जानकारी देने में सैतालीस से लेकर 2005 तक का समय लगा और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र है अगर लोक से ही तंत्र की सूचना छुपाई जा रही है अब प्रश्न यह है कि संसदीय लोकतंत्र चलता कैसे तो संसदीय लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुनता चलता है भारत की जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जिसे हम राज्य के संदर्भ में विधायक कहते हैं और केंद्र के संदर्भ में उसे सांसद कहते हैं यही विधायक और सांसद ही जनता के हितों की आवाज सांसद में उठाते हैं और यही विधायक और सांसद जनता की तरफ से प्रशासन से संबंधित जानकारी मांगते हैं अर्थात संसदीय लोकतंत्र में जनता को प्रशासन यानी नौकरशाही से डायरेक्ट कोई को क्वेश्चन करने का कोई सूचना मांगने का अधिकार 2005 के पहले नहीं था और उसी का परिणाम था कि मंत्री और सांसद की आड़ में छुपने वाले वो प्रशासक 2005 तक गोपनीयता कानून की आड़ में अपने पावर का जबरदस्त दुरुपयोग करते रहे और जनता गरीब जनता उनके उस दुरुपावर के दुरुपयोग का लगातार कष्ट सहती रही संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है कि अगर सांसद को प्रश्न पूछना है कलेक्टर से एसडीएम से एसपी से तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था उसे प्रश्न पूछना है जनता को तो जनता कहेगी सांसद से सांसद पूछेगा मंत्री से और मंत्री जो जानकारी देगा वही जानकारी बाहर आएगी अर्थात प्रशासन जो है नौकरशाही वो मंत्री की आड़ में अपना शासन चलाती थी तो जब मंत्री की आड़ में शासन चलाती थी और हमारे यहां जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो बहुत पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से नहीं आते थे बहुत सारे लोग सारे तो नहीं कहे जा सकते पर बहुत सारे नहीं आते थे इसलिए उन्हें प्रशासन व्यवस्था की बारीकियों का भी उतना ज्ञान नहीं हुआ करता था इसलिए वो प्रशासन पर भी उतना नियंत्रण स्थापित कर पाने में सक्षम नहीं होते थे और जनता तो पूछ ही नहीं सकती थी अब लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों शब्द लिख दिए गए संविधान लेकिन सिद्धांत रूप में कोई व्यवस्था लिख देना और व्यवहार में उसे लागू कर देना ये दोनों अलग अलग चीजें स्वतंत्रता के बड़े व्यापक मायने थे सैतालीस में जब स्वतंत्रता लिखा गया प्रस्तावना में उसी समय आर्टिकल नाइनटीन से लेकर बाईस ट्वेंटी टू तक में राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भी दे दिया गया और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया उसके दो पार्ट किए गए आर्टिकल ट्वेंटी वन और नाइनटीन को अलग कर लीजिए और आर्टिकल 20 और 22 को अलग कर दीजिए आर्टिकल 21 सर्वोच्च आर्टिकल है जो स्वतंत्रता के सारे आयामों को समाहित किए हुए जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बाकी के सारे अधिकार इसमें समाहित है कह लीजिए कि 19 इसी का भाग है आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और आर्टिकल 21 मैंने आपको बताई दिया आर्टिकल 22 और 20 ये दोनों देश की सुरक्षा के लिए बनाए तो गए 20 कहता है कि अगर आप किसी अपराध में जेल में बंद हैं तब भी आपको सुरक्षा मिलेगी क्यों क्योंकि आप आजाद देश के नागरिक हो और 22 तो लोग देश लोग शामिल ही नहीं करना चाह रहे थे पटेल जी ने कहा था कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत हम लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों की प्रताड़ना सही दुर्भाग्य है कि हमें उसे भी संविधान में शामिल करना पड़ रहा है और 22 में अगर किसी के द्वारा अपराध किया नहीं गया किए जाने की संभावना है तो उस संभावना के आधार पर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था इसे कहते थे प्रिवेंटिव डिटेंशन भारी मन से ही सही लेकिन इसे संविधान में शामिल किया गया क्योंकि आजाद होने के पहले तो भारतीयों में बड़ी एकजुटता थी लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए थे तो हम भाषा के आधार पर जाति के आधार पर क्षेत्र के आधार पर लड़ना शुरू कर दिए थे और तब भारतीयों को यह लग और तब कानून बना नहीं था संविधान बना नहीं था बन रहा था तब लगा कि अगर इस ऐसा निवारक निरोधक जैसे कानून नहीं होंगे तब तो भारत की स्वतंत्रता को ही खतरा पहुंच जाएगा इसलिए मजबूरी में ही सही आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया और प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया था लेकिन जस जल्द ही उसका उपयोग भी और दुरुपयोग भी शुरू हो गया 1950 में एक मामला आया ए के गोपालन का ए के गोपालन बहुत बड़े नेता थे और उन्हें स्वतंत्रता के पहले से ही गिरफ्तार किया गया था जब 1950 में उनके छूटने का नंबर आया तब उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून जो 50 में ही बना था उसके तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया तब वो संविधान के आर्टिकल 21 और 19 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट गई मैं आपको बता रहा हूं कि सूचना मिली कैसे सूचना का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला सूचना का अधिकार देना तो बहुत दूर पहले तो स्वतंत्रता ही छीनी जा रही थी एक गोपालन का केस समझिएगा तो वो गए संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट और 19 का भी जिक्र किया कि गिरफ्तार करने से मेरे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मेरे घूमने का अधिकार बाधित हो रहा और 21 बाधित हो रहा है जिसमें जीवन की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 21 की भाषा पे जाइए आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा प्रोसीजर स्टैब्लिस्ड बाई लॉ से ही वंचित किया जाएगा अब यहां पर एक जबरदस्त बहस हुई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ पर दो शब्द वैश्विक संदर्भ में चलते हैं एक शब्द चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दूसरा चलता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ साल्ट में इसका मतलब यह है कि ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ कहता है कि यदि कानून बनाने की प्रक्रिया सही है अर्थात लोकसभा से पास हुआ है राज्यसभा से पास हुआ है और प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति की सहमति मिली तो कानून में क्या लिखा है इसे कोई भी न्यायालय चेक नहीं करेगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही हो वो तो ठीक ही है लेकिन कानून में क्या लिखा है वो भी सही होना चाहिए वो भी संविधान की मूल भावना के अनुसार होना चाहिए और अगर नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है भारत में सारे मूल अधिकारों को सुरक्षा न्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मिली हुई अर्थात आर्टिकल तेरह कहता है कि कोई भी कानून मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता कानून छीन नहीं सकता अर्थात प्रक्रिया सही हो लेकिन कानून गलत हो और यदि अधि मूल अधिकारों को छीना जाएगा तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी न्यायपालिका लेकिन 21 में क्या लिखा है 21 में लिखा है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई द अर्थात यदि प्रक्रिया सही है तो कानून बनाकर 21 को छीना जा सकता है ए के गोपालन ने कहा यह कैसे संभव है और अगर यह संभव है तो फिर मूल अधिकार लिखे क्यों है संविधान में अगर स मूल अधिकार संसद की कृपा पर निर्भर है संसद कानून बनाकर उन्हें कभी भी छीन सकती है तो फिर लिखे क्यों है मूल अधिकार संविधान में और दुर्भाग्य है कि न्यायालय ए के गोपालन के तर्क से सहमत नहीं हुआ और कहा कि यदि प्रक्रिया अनुसार कानून बनाया गया है और जीवन की स्वतंत्रता उससे छीन ली गई है तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती इसके बाद स्वतंत्रता को छीनने का दूसरा प्रयास आपातकाल में हुआ आपातकाल में मीसा कानून के तहत 1975 में मीसा कानून के तहत कई हजार लोगों को बंदी बना लिया गया था और आपातकाल राष्ट्रपति ने लगाया था राष्ट्रपति ने अपने आपातकाल में आर्टिकल तीन के तहत एक आदेश जारी किया और कहा कि आर्टिकल 14, 21 और 22 सस्पेंड किए जाते हैं निलंबित किए जाते हैं और जब और कोर्ट जाने के अधिकार को भी निलंबित किया जाता है आपको पता है बत्तीस के तहत कोर्ट जा सकते है। उसने कहा जब 21 ही समाप्त है तो कोर्ट भी नहीं जा सकते और राष्ट्रपति के इस आर्डर को कोई चैलेंज ना कर दे इसलिए इस को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया सूची में डालने से न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला का मामला चला उस मामले में उसके पहले लोग हाई कोर्ट गए और कहा कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली कई हाई ने स्वीकार कर ली। सरकार डर गई सरकार को लगा कि कहीं हाई कोर्ट आर्डर न पारित कर दे इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट को यह रिट स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि हमने आर्टिकल 21 ही सस्पेंड किया है तो 21 को बहाल करने की याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है और दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका के इतिहास का एक ऐसा फैसला आया जिसने न्यायपालिका की छवि को धूल धूसरित कर दिया पांच जजों की बेंच थी और पांच जजों में चार जज सहमत हुए सरकार के तर्कों से और कहा कि यदि सरकार कानून बनाकर जीवन की स्वतंत्रता छीनती है तो न्यायालय उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जज थे जस्टिस खन्ना जिन्होंने तर्क लिया वहां के जनरल से पूछा डे साहब से कि आप ये बताइए कि यदि कानून आपने बना दिया है और पुलिस के सामने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अगर गोली चला दी जाएगी तो क्या तब भी न्यायालय नहीं सुनेगी तो डे साहब का जवाब था कि जज के सामने भी यदि गोली मार दी जाएगी तब भी आप नहीं सुन सकते और उस साहब ने ये भी कहा आपकी अंतरात्मा और मेरी अंतरात्मा दोनों को कष्ट पहुंचाने वाले तथ्य है लेकिन सच्चाई यही है कि आर्टिकल 21 कहता है कि यदि प्रक्रिया सही है और कानून कुछ भी है तो आप उसे असंवैधानिक घोषित करने के अधिकारी नहीं है और जस्टिस खन्ना के अलावा सारे जजों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए चार एक से फैसला आया और उसका दुष्परिणाम जस्टिस खन्ना को भोगना पड़ा अगले चीफ जस्टिस सीनियरिटी से जस्टिस खन्ना को बनना चाहिए था लेकिन वो नहीं बन पाए लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी जब भविष्य में कभी लोकतंत्र जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा होगी तो न्यायपालिका में एक स्मारक जस्टिस खन्ना का भी लगा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर टू में उनका वो स्मारक लगा हुआ उसके बाद एक केस और आया सेवेंटी एट में मेनका गांधी का केस मेनका गांधी जब आपातकाल समाप्त हुआ तो मेनका गांधी ने पासपोर्ट बनवाया सरकार को लगा कि मेनका गांधी पासपोर्ट बनवा के विदेश भागना चाहती इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और जब जब्त कर लिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट गई उन्होंने कहा कि जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल विदेश जाने का अधिकार भी शामिल और पासपोर्ट जब्त करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन और सात जजों की यह बेंच बैठी थी सारे जज मेनका गांधी की तर्कों से सहमत हुए और जो पुराना केस था गोपालन मामला और जो हैवियस कार्पस केस उन दोनों के अगेंस्ट गया और उसने कहा कि मौलिक अधिकार प्रक्रिया अगर सही है लेकिन दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानून बनाया गया है तो नहीं छीना जा सकता अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि इसके पहले जो एडीएम जबलपुर का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट की चूक थी और यह मान लिया कि आप मनवाने तरीके का कानून बनाकर भी प्रक्रिया सही होने के बाद भी आप मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते और यही वो जजमेंट था मेनका गांधी का जिसके बाद से स्वतंत्रता लिखा तो था संविधान में लेकिन स्वतंत्रता देने के प्रति न्यायालय अडिग हुआ और इसके बाद से ही स्वतंत्रता देने के अलग अलग डिसीजन आने लगे में का मामला आया जिसमें पहली बार न्यायपालिका ने स्वीकार कर लिया कि सरकार की सूचनाओं तक पहुंच होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग उसके बाद ढेर सारे बीच में और डिसीजन आए 2003 में एक डिसीजन आया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बना भारत संघ का मामला जिसमें उसने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की यदि जानकारी दी जाती है तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान होगी लोकतंत्र और मजबूत होगा और इसलिए जानकारी देना सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल नाइनटीन वन ए में दी गई है उसका एक भाग ही और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद 2005 में वो अधिकार हर नागरिक को मिल गया जिसका कि उन्हें इंतजार था गोपनीयता कानून इतिहास की विषय वस्तु बन गया और सूचना का अधिकार आम जन का अधिकार बन गया अब आम जन को लोक प्राधिकारी से कोई भी सूचना हासिल करने का अधिकार मिल गया लेकिन अभी ऐसा जो परिवर्तन था उसमें अभी रोक और भी लगनी बाकी थी 2012 में एक केस और आया 2012 में गिरीश देश पांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त का केस आया उसमें यह लिख दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के यदि आयकर रिटर्न की जानकारी मांगी जाती है उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी जाती है कोई ऐसे आदेश माने जाते हैं जिन्हें वो गोपनीय मानता है तो उसे गोपनीय माना जाना चाहिए और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा आठ के तहत वो अगर चाहे तो उसकी सूचना ना दी जाए अर्थात उसकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और रही सही कसर 2017 में पूरी होगी उसके पहले 2017 का मामला बताने के पहले मैं स्वतंत्रता को डिफाइन करना चाहता हूं स्वतंत्रता के दो मायने एक स्वतंत्रता वो जो 19 में है एक स्वतंत्रता वो जो 21 से निकली। 19 की स्वतंत्रता कहती है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट होगा अब वाक्यों अभिव्यक्ति किसके लिए अर्थात हर नागरिक प्रशासन से सूचनाएं हासिल कर लेगा आप क्या अभिव्यक्त करना चाहते हो अगर प्रशासन ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपके कोई अधिकार बाधित हो रहे हैं तो आप उसके खिलाफ बोलना चाहें वैसे भी सारे मूल अधिकार राज्य के खिलाफ मिले हुए ताकि राज्य आपकी स्वतंत्रता का हनन न कर पाए तो जब राज्य के खिलाफ ही सूचना स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो फिर उस राज की सूचना पाने का अधिकार हमारा मूल अधिकार होना चाहिए क्योंकि वो राज्य अगर हमारे खिलाफ नीतियां बनाए और हम उन नीतियों की जानकारी भी हासिल न कर पाए तो फिर हम अभिव्यक्त करेंगे क्या तो अभिव्यक्त करने के लिए सूचना चाहिए और सूचना किसकी चाहिए तो सूचना प्रशासन की चाहिए सूचना शासन की चाहिए सूचना राज्य से चाहिए तो सूचना मिलनी चाहिए तभी हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक कर पाएंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्थक तब तक नहीं होगी जब तक शासन के गैर कानूनी काम की सूचना हम तक ना मिले जब तक इस देश का हर व्यक्ति यह ना जाने कि प्रशासन गोपनीयता की आड़ में हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, तो वो सूचना मिलनी ही चाहिए और वो सूचना यदि नहीं मिलेगी तो फिर काहे का लोकतंत्र क्या किताब में लिख देने से लोकतंत्र आएगा नहीं आएगा लोकतंत्र तो लिखने से नहीं आता करने से आता है और करने के लिए सूचना देनी होगी इसलिए आर्टिकल नाइनटीन वन ए के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत सूचना के अधिकार को शामिल माना लेकिन स्वतंत्रता का एक दूसरा पहलू स्वतंत्रता का एक पहलू तो यह है कि हम चाहे तो हम अपनी सूचना दे चाहे तो हम अपनी सूचना बांटे लेकिन यदि हम ना चाहें तो हमारी सूचना ना दी जाए अर्थात ये हमें ही तय करने का अधिकार होना चाहिए कि हमें कौन सी सूचना बांटनी है और कौन सी सूचना गोपनीय रखनी है अगर हमारी सूचना गोपनीय ही नहीं रह गई तो फिर स्वतंत्रता का दूसरा पैमाना अधूरा रह जाए हम किसके साथ शादी कर रहे हैं हमारे कितने बच्चे हैं हमें पत्नी के साथ कैसे रहना है हमारे पिता के साथ रिलेशन कैसे होंगे हमारे बच्चे के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे यह तय करने का अधिकार तो हमें ही होना चाहिए अर्थात स्वतंत्रता के अंदर अगर आप बृहद रूप से सोचे तो निजता भी शामिल ही होना चाहिए और 24 अगस्त 2017 को जेएस खेयर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय जो बेंच बनी उसने पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी शामिल माना और कहा कि गोपनीयता भी स्वतंत्रता का ही भाग है यदि व्यक्ति की इच्छा के बिना उसकी गोपनीयता छीनी जाएगी तो फिर यह स्वतंत्रता की धारणा का ही उल्लंघन कहलाएगा अब यहां से एक समस्या आ गई कुछ लोग कहते हैं कि काहे की स्वतंत्रता अगर गोपनीयता दे दिया नहीं आप गोपनीयता और स्वतंत्रता के बीच यदि संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो यह आपकी समस्या हो सकती है सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाले की मंशा पे सवाल उठाया जा सकता है लेकिन स्वतंत्रता के कांसेप्ट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता हमारी सूचनाएं सारी मार्केट में पहुंच जाए उसे ही स्वतंत्रता कहेंगे नहीं जो हम नहीं चाहें वो नहीं पहुंचे मार्केट में लेकिन हम नहीं चाहें का मतलब हमें अपने पाप छुपाने की इजाजत नहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए सूचना का अधिकार कहता है कि सूचना चाहे तो मिले गोपनीयता का अधिकार कहता है कि गोपनीयता बनी रहे अर्थात सूचना ना चाहे तो ना मिले आप अगर सामान्य भाषा में इसे समझेंगे तो लग रहा है एक दूसरे के दोनों विरोधी है लेकिन विरोधी नहीं है क्यों क्योंकि इनके बीच संतुलन स्थापित करना है अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए तो मैं इसके एक दूसरे पहलू पे भी आपको लेके चलता हूं आज की डेट में हम आप सब मोबाइल चलाते हैं सबके मोबाइल में ढेर सारे ऐप डाउनलोड होंगे उन ऐप को जब आपने डाउनलोड किया होगा तो डाउनलोड करते समय आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आप अपनी गैलरी में अपनी कांटेक्ट लिस्ट में अपने फोटो और अपनी पर्सनल फाइल एसेस करने की हमें छूट दीजिए और आप देते हैं छूट तब आप उस कंपनी का ऐप डाउनलोड कर पाते हैं इसका मतलब आपकी निजता मार्केट में है आपको पता हो या नहीं आपकी निजता मार्केट में है आज की डेट में आप अपनी निजता राज्य सरकार से भले छुपा ले। लेकिन कंपनियों के पास आपकी निजता गिरवी रखी हुई है और उसकी चिंता ना मुझे है ना आपको ना ही न्यायालय कुछ कर पा रहा ना ही सरकार कुछ कर पा रही लेकिन चूंकि हमें निजता की आड़ में सूचना के अधिकार को आगे बढ़ने से रोकना है इसलिए निजता के अधिकार का उपयोग हम राज्य के खिलाफ बखूबी कर रहे हैं राज्य के खिलाफ हम उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन कंपनियों के खिलाफ नहीं जबकि हमें पता है कि वो कंपनी हमारा अकाउंट भी हैक कर सकती है वो कंपनी हमारे घर के बहन बेटियों की इज्जत को क्राप करके बाजार पे नीलाम भी कर सकती है लेकिन हम उसे रोकने के लिए आगे नहीं आ रहे हम तो केवल सरकार के जिन सूचनाओं को देना लोकतंत्र की बहाली के लिए देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की बहाली के लिए आवश्यक है लेकिन हमें उससे अपने निहित स्वार्थ टकरा रहे हैं क्योंकि हमने जो कुकर्म किए हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो दुरुपयोग किया है वो दुरुपयोग सामने ना आए इसलिए न्यायालय के उस निजता के अधिकार की आदेश की हम खिलाफ टिप्पणी करते हैं कहते हैं न्यायालय ही ने ही सूचना के अधिकार को पंगु बना दिया है न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं किया न्यायालय ने तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के उस पहलू की भी रक्षा की है जिस पहलू को एडीएम जबलपुर के केस में रौंदा गया था जिस पहलू को एके गोपालन के केस में रौंदा गया था तो इसी संविधान की यह है कि संविधान सूचना के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को बहाली करता है और देश को लोकतंत्र राह में स्वतंत्रता की राह में, में आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है हमें आप सब का, आप का 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 और इस का और इस इस संविधान व्यवस्था आभारी होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जब कोई कार्य स्वयं नहीं कर पाते तो हम कोसते व्यवस्था को है जबकि व्यवस्था नियमों से नहीं नियमों का पालन करने वाले नागरिकों और लोक सेवा के अधिकारियों से बनती है लेकिन दुर्भाग्य है कि ना नागरिक अपने कर्तव्य निभा रहा और ना ही लोक सेवक और जो लोग निभा रहे हैं उन्हीं उन्हीं के कारण ही ये देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है मेरे ख्याल से सारे पहलू जो मेरी जानकारी में थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं और आधा घंटा मुझे बोला भी गया था तो वो समय भी पूरा हो गया है धन्यवाद धन्यवाद उत्तम द्विवेदी जी बहुत ही शानदार आपने आ, अपना स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है और नित्यानंद जी यदि